नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का फिजिक्स का अंतिम पेपर था फाइनल के विद्यार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये पेपर काफ़ी अच्छा हुआ। जैसा कि मैंने विद्यार्थियों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आ गए हैं। विद्यार्थियों ने भी मुझे ये बताया कि काफ़ी अच्छा उनका पेपर हुआ है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने बताए उनमें से कितने प्रश्न आए, कैसे आए। तो अगर हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ तो कमेंट करके सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर भी करें, ताकि आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो फाइनल विद्यार्थी होने वाले हैं, उनको भी एक अच्छा फ़ायदा मिल सके आपके द्वारा। और जो आपसे जूनियर हैं, जो अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, उन तक आप चैनल को पहुँचाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए के अंदर पहला ही क्वेश्चन किरचॉफ के वोल्टता नियम को लिखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, कल शाम को 4 नंबर यूनिट के ऑपरेशन एम्पलीफायर की, और मैंने कहा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के गुण आ सकते हैं, 4 गुण होते हैं, उसमें से आपको 1 या 2 भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल 2 गुण आपसे पूछ लिए गए। इसके अलावा जो गेट वाली लॉजिक गेट वाली यूनिट है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सारे गेट्स के जो प्रतीक हैं, संकेत हैं, परिपथ हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। सत्यमान सारणी भी बनानी आ सकती है, तो यहाँ पर 2 गेट्स के लिए यहाँ पे सत्यमान सारणी बनानी भी आ गई है। और दोलित्र को परिभाषित करना भी मैंने बताया था, और मैंने आपको नेगेटिव फीडबैक की परिभाषा बताई थी, लेकिन यहाँ पर फीडबैक की पूछी है। तो अगर आपने नेगेटिव फीडबैक को पढ़ा है तो आपको फीडबैक तो आता ही होगा, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो इस तरीके से सेक्शन ए के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन है वो आ गए हैं। फिर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर मैंने आपको टी और पाई नेटवर्क भी बताया था, ये यहाँ पे आ गया है। इसके बाद मैंने आपको थेवनिन प्रमेय भी बताई थी, और ये जो परिपथ चित्र वगैरह हैं, ये सारे के सारे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आपने देखा भी होगा कि पूरी परिपथ को सिद्ध करना और उन पर कैसे थेवनिन तुल्य परिपथ बनाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ अगर आप देखें तो जेनर डायोड मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ये जो न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको एज इट इज बताया था, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जो मैंने न्यूमेरिकल बताया था उसमें 4 मिली एम्पियर यहाँ पे वैल्यू थी, इसमें 3 मिली एम्पियर है, बाकी एज इट इज कोई लैंग्वेज में भी अंतर नहीं है। तो फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कोलपिट दोलित्र मैंने आपको बताया था, पिछली बार हार्टले आया हुआ था, और मैंने आपको ये कहा था कि अब की बार कोलपिट और आरसी फेज शिफ्ट आ सकते हैं, तो कोलपिट यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से देखा जाए तो सेक्शन बी में आपका यहाँ से 1 क्वेश्चन, और ये आपका 2रा क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं थेवनिन का करें या आप टी नेटवर्क वाला करें, 3 क्वेश्चन कम्प्लीट आए हैं जो मैंने बताए हैं, सेक्शन बी में 3 ही करने थे। फिर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थेवनिन और अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय बताई थी सेक्शन सी के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉर्टन आ गई तो थेवनिन सेक्शन बी में आ चुकी है। अगर आप इसको छोड़ भी दें तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कल ही वीडियो बना के जो 4 नंबर यूनिट है उसमें अवकलक और समाकलक ये क्वेश्चन आपको बताया था कि ये रिपीट होगा, और रिपीट हो गया है। तो इस प्रकार से सेक्शन सी में भी आपका एक क्वेश्चन जो आपको करना था वो कम्प्लीट आ गया है। तो यहाँ पर टोटल 10 में से 9 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बताए थे उसमें से आ चुके हैं, 10 आपको करने थे। जिन विद्यार्थियों ने इन क्वेश्चंस को, और मैंने आपको कहा था कि 2020 का जो पेपर आया था उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद किए थे, उनका पेपर बहुत अच्छा गया, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और जिन विद्यार्थियों ने अपनी तरफ से कोशिश की, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा, उनके अच्छे नंबर आएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, भविष्य के लिए भी जुड़े रहें, भविष्य में भी आपको नई नई जानकारियाँ इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और आप जो बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, जो फाइनल में होने वाले हैं, उनको भी इस चैनल से जोड़ें, ताकि आपकी तरह वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।